नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन, टोटल वी हैव सिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन। थ्री रो एलिमेंट्री ऑपरेशन प्लस थ्री कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन रो वाइज करेंगे हम, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम वाइज करेंगे, ठीक है। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कहाँ पे होगा? इनवर्स फाइंड करने में, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन में बेसिक में जाते हैं। तो फर्स्ट, या फिर ऐसा समझ लो कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, ठीक है। हम इनवर्स फाइंड करने वाले हैं तो वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ओके। फर्स्ट वन आर आई टू आर जे, मतलब रिप्लेस रो आई टू जे, मतलब आपको रो रिप्लेस करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां पे अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन एंड ए टू टू, तो मैं आपको बता दूं ये है आपकी रो वन आर वन, ये है आपकी आर टू रो टू, ये है आपका कॉलम वन और ये है आपका कॉलम टू, ठीक है। तो मैं एक जनरली एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके रिगार्डिंग हम जितने भी ऑपरेशन है वो सब ऑपरेशन करेंगे। टू क्रॉस टू ले लेता हूँ, वन टू थ्री फोर, ठीक है। ये एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया, उसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कि कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम, इसमें साथ ही साथ कॉलम का भी सेम टू सेम ही, कोई भी रो या कोई भी कॉलम आप इंटरचेंज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लगाया कि आर वन चेंजेस टू आर टू, उसका मतलब क्या हुआ, आर वन की जगह पे आर टू होगा और आर टू की जगह पे आर वन होगा। तो ये मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, जो रो वन है वो कहाँ पे लिखनी है, सेकंड रो में, और जो रो टू है वो कहाँ पे लिखनी है, फर्स्ट रो पे। सिंपल, अंडरस्टूड? आर वन रिप्लेस टू आर टू, मतलब आर वन की जगह पे आर टू, आर टू की जगह पे आर वन, और सेम टू सेम यहाँ पे मैं कॉलम में कर रहा हूँ, सी वन चेंजेस टू सी टू, मैं इसके रिगार्डिंग ही करूंगा, आप समझ लेना, इसके रिगार्डिंग ही हम ऑपरेशन करेंगे। तो कॉलम चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, सी वन मतलब फर्स्ट कॉलम की जगह पे सेकंड कॉलम होनी चाहिए, तो टू फोर एंड वन थ्री, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट ऑपरेशन, क्लियर है। चलो मूव ऑन टू सेकंड ऑपरेशन, विच इज आर आई गिव्स के टाइम्स आर आई। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप कोई भी रो को, ठीक है, सिर्फ रो को, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जितने भी एलिमेंट है मैट्रिक्स में वो सबको मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन नहीं, ये सिर्फ रो को मल्टीप्लाई करना है, ओनली रो, ठीक है, वैसे ही ओनली कॉलम, तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे, जिस रो को मल्टीप्लाई करना है वो, और जिससे मल्टीप्लाई करना है वो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा लिखूं कि आर वन गिव्स थ्री टाइम्स आर वन, ठीक है, वैसे यहाँ पे लिखूं सी वन, अच्छा यहाँ पे मैं सी टू ले लेता हूँ, तो आपको थोड़ा चेंज रहे, सी टू चेंजेस टू टू टाइम्स सी टू, ठीक है। चलो उसका मतलब समझते हैं, आर वन मतलब यही, आप इसी को बेस लेके चलोगे, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसी को बेस लेके चलोगे आप, ये वाला। चलो क्या करोगे, पहले तो R1 में चेंज करना है ना बेटा, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, R1 changes to, मतलब R1 में चेंज करना है। तो देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको 100% मैं जो बोलू वही करना है, एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं करनी है,
या एक्स्ट्रा कम नहीं करनी है, मतलब कम भी नहीं करनी है, ज्यादा भी नहीं करनी, कुछ नहीं, सिर्फ मैं बोलू वही क्या बोला मैंने कि R1 में चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे बात आती है कि R2 तो एज इट इज रहेगा, तो R2 को एज इट इज सबसे पहले ये बढ़िया करना है। उसके बाद R1 में जितने भी एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो 3 1 3 3 2 6, ठीक है, वंस मोर। यहाँ पे बेटा यही आपको लेना है मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला मैंने कि C2 को 2 टाइम्स करना है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, किसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो C2 में चेंज हो रहा है तो C1 में चेंज नहीं हो रहा है, तो C1 एज इट इज लिख दी। अब C2 के जितने भी एलिमेंट है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 एंड 4 2 8, दैट्स डन, ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद थर्ड हम प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको बहुत इजीली हो जाएगा सर, आप टेंशन मत लेना। RI minus plus RJ, ऐसा कुछ, मतलब कोई भी दो रो को मल्टीप्लाई करो, मतलब सॉरी कोई भी दो रो को एडिशन करो, कोई भी दो रो का माइनस करो। यहाँ पे देख लेते हैं हम कैसे। सपोज मैं ऐसा बोल दू की R1 और R2, यहाँ पे R1 ले लिया तो अब मैं R2 ले रहा हूँ, R2 changes to R2 plus R1, ठीक है, और यहाँ पे मैं उल्टा कर रहा हूँ, C1 changes to C1 minus C, जस्ट एग्जाम्पल लिया मैंने, एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया आपके लिए कि आपको पता चले। चलो जैसा मैंने बोला था हमें यही मैट्रिक्स में ऑपरेशन करना है अभी, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको क्या बोला था बेटा, चेंज कहाँ पे हो रहा है, R2 में चेंज हो रहा है, अगर R2 में चेंज हो रहा है तो आप R1 एज इट इज लिख दो, कोई शक नहीं, ठीक है, आपने R1 बिल्कुल वैसे का वैसा लिख दिया। अब R2 में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है बेटा, दोनों का एडिशन हो रहा है, तो दोनों का एडिशन करके कहाँ पे लिखोगे R2 में, 1 plus 3 4 2 plus 4 6, ठीक है, आप ऐसे करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जितनी कम प्रॉब्लम होगी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, गलती नहीं होगी। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि हम 3.4 में जो भी सम करने वाले उसमें एक भी गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होगा और 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस ना गिर जाए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बोला, C1 gives C1 minus C2, तो कहाँ पे चेंज हो रहा है बेटा, C1 में चेंज हो रहा है, C1 में चेंज हो रहा है तो आप क्या एज इट इज लिख दोगे, C2 एज इट इज लिखोगे, तो C2 मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद C1 में क्या लिखना है, C1 minus C2, तो 1 में से 2 गया तो -1, 3 में से 4 गया तो -1, ठीक है, तो ये है बेसिक, बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है वो उसकी प्योर डेफिनेशन है, और राइट हैंड साइड उसके सारे एग्जांपल मैंने लिखे हुए, ठीक है। हम इसके और एक मतलब और 3x3 में एग्जांपल लेके कर लेता है जिससे आपको पता चले कि कैसे ऑपरेशन होता है। मैं आपको बता दूं, हम इनवर्स जब भी फाइंड करेंगे तब कोई भी एक ही ऑपरेशन का यूज करेंगे और वो है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, हम कॉलम का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं कॉलम का नहीं कर सकते, कॉलम का भी कर सकते लेकिन हम रो ही करेंगे कोई, क्योंकि कोई भी एक ही एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम मतलब बहुत अच्छे हो जाएंगे, जितने अच्छे होंगे उतना हमारा फायदा है, ठीक है। चलो थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 3 minus 2 1 0 2 4 minus 1 minus 3 and 1, ये हमने लिख दिया, ठीक है, हम सारे दो एलिमेंट के ऑपरेशन कर ले, ऑपरेशन करते जाएंगे जिससे आपको पता चले। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा कि R1 changes to मतलब रिप्लेस बाय R2, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मैंने बोला है कि चेंज क्या हो रहा है, R1 R3 चेंज हो रहा है, तो सबसे पहला काम R2 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो चेंज नहीं हो रहा है वो एज इट इज लिख दो। ये मैं इतनी छोटी छोटी बात बार बार बोल रहा हूँ तो समझ लो कि कुछ ना कुछ तो होता होगा, तभी मैं इतनी बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद R1 की जगह पे R3 मतलब थर्ड रो लिख लिया और फर्स्ट रो थर्ड की जगह पे, ओ ठीक है,
ये सिर्फ अभी मैं आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप ऐसा मत समझो कि ये कोई सम है, ये सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है कि कैसे हम कोई भी मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है? ओनली प्रैक्टिस, कोई सम सम नहीं है। अब कुछ ऐसा करता है, आर टू चेंजेस टू, टू टाइम्स आर टू, ठीक है? आर टू चेंजेस टू, टू टाइम्स आर टू, तो क्या करेंगे? पहले आर टू में चेंज हो रहा है तो क्या सेम रहेगा? अब ऑपरेशन इसमें ही करो बेटा, हम जैसे जैसे करते जाएंगे ऑपरेशन वैसे वैसे ही करो, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी। तो आर टू में चेंज हो रहा है तो आर वन और आर थ्री एज इट इज लिख देते हैं। अब आर टू में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? सबको टू से मल्टीप्लाई कर, सबको टू से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट, ठीक है? उसके बाद चलो कुछ ऐसा बढ़िया मैंने ले लिया, आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री माइनस टू आर वन, ठीक है? सबसे पहली बात, जब भी आप कुछ चेंज कर रहे हो तो सपोज आर टू में चेंज कर रहे हो तो आर टू चेंजेस टू, यहाँ पे आर टू ही आना चाहिए। आई रिपीट, अगर आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम में चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे जो भी है वो पहले आना चाहिए, उसके बाद प्लस माइनस कुछ भी करके दूसरा कुछ आए, डजेंट मैटर, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? आपकी गलती ना हो इसलिए। ऐसा नहीं आ सकता, आ सकता है लेकिन आपको नहीं करना है, नहीं करना है और नहीं करना है, ठीक है? चलो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। अब ये एक्चुअली मुंह पे हो जाता है कैलकुलेशन से, लेकिन फिर भी गलती ना हो इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करेंगे। चलो बेटा आर थ्री क्या है? आर थ्री ये वाले आर थ्री क्या है? तो थ्री माइनस टू वन, फिर यह हमने आर थ्री लिख दिया, माइनस टू माइनस टू माइनस टू। आर वन क्या बेटा? आर वन, इसमें आर वन क्या है? रिस्पेक्टिवली टू माइनस वन एंड वन। चलो इसको सॉल्व करो, माइनस वन, इसको सॉल्व करो जीरो, इसको सॉल्व करो माइनस, तो बस ये आपका आंसर क्या है? सबसे पहले बेटा क्या करना है, आर थ्री में चेंज करो ये वाले पे, आर थ्री में चेंज करो तो आर वन आर टू सेम रहेगा, आर वन आर टू सेम रहेगा, हो गया? अब आर थ्री में चेंज करो, क्या चेंज करो? ये चेंज किया तो देखो ये हमने कैलकुलेशन कर ली, क्या कैलकुलेशन की? आर थ्री, हमने ये आर थ्री लिख दिया, फिर माइनस टू, सबको माइनस टू मल्टीप्लाई बाय आर वन, मल्टीप्लाई बाय आर वन रिस्पेक्टिवली कर दिया, जो आंसर आया वो आंसर यहाँ पे। ये मैं इसलिए हैबिट ये सब आपको करवा रहा हूँ आगे जाके प्रॉब्लम ना, ठीक है? क्या प्रॉब्लम होगी वो आपको पता चल जाएगा, अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ वही करना है, ठीक है? बहुत ही ध्यान से, बहुत समझ के ये करना है। ओके चलो इससे आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन खत्म हो गया। सबसे पहले हमने सिंपल सा ऐसा पढ़ा कि टोटल सिक्स टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन है, तीन रो के तीन कॉलम के, ठीक है? कोई भी को इंटरचेंज करो, किसी को भी मल्टीप्लाई करो, और कोई भी रो रो, देखो ध्यान से समझ लो, रो रो में ऑपरेशन हो सकता है, कॉलम कॉलम में ऑपरेशन हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि रो माइनस कॉलम करो, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है? तो ये जितनी भी छोटी छोटी बात है वो सारे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, विच इज बेसिक पढ़ने वाले हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको प्योर लॉजिक समझा देता हूं, ठीक है? क्या प्रोसेस करने वाले हैं वो भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्योर बेसिक मतलब ऐसा कुछ समझ लो कि एक्स इज इक्वल टू ए बी है, ठीक है? एक्स इज इक्वल टू ए बी है, तो जैसा कि हमने पहले से डिस्कस किया हुआ है कि ये ए है एम क्रॉस एन और ये बी है एन क्रॉस बी, ठीक है? तो मेक श्योर ये जो एक्स है उसमें एम रो होगी एंड पी कॉलम होगी, है ना? ये बात समझ रहे? मतलब एम रो फर्स्ट वाले की और पी कॉलम सेकंड वाले, इतना क्लियर है आप लोगों को? तो अगर आपको ये आइडेंटिटी पता हो कि
कि a इज इक्वल टू i, a इज इक्वल टू a i, पता है मैंने प्रोडक्ट में बताया था आपको कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, लेकिन प्रोडक्ट में एलिमेंट्री एलिमेंट क्या होता है, वन, यहाँ पे वन क्या है, आइडेंटिटी, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं इसमें आपको बताऊं कि अगर ये ए है इज इक्वल टू, ये मैं आपको बता दूं स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ये ऑर्डर चेंज नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही सही है, ठीक है, उसके लिए ही हम फॉलो करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये जो आई है और ये ए है, तो भले ये 3-3 मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी जो रो होगी वो यहाँ पे होगी, इसकी रो होगी, और इसकी जो कॉलम होगा वो इसका कॉलम होगा, इतना आप समझ रहे हो। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो रो होगी वो इसकी होगी, और इसमें जो कॉलम होगा वो इसका होगा, इतना आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। पहली बात ये मैंने आपको कंसेप्ट वाइज समझाया, ये सब कुछ अब मैं मिक्स करूंगा, ध्यान से देखना, ये मैंने कंसेप्ट समझाया, उसके बाद ये आइडेंटिटी आपको समझाई कि a इज इक्वल टू i इज इक्वल टू a i, उसमें जो रो होगा वो i का होगा, कॉलम होगा वो a का होगा, इसमें जो रो होगा वो i a का होगा, कॉलम होगा वो i का होगा। अब अच्छी बात जो अब समझने वाला है, सपोज किसी का भी मैं इनवर्स की बात कर रहा हूं, किसी का भी इनवर्स, सपोज 5 का इनवर्स क्या होता है बेटा, 1/5, तो इनवर्स हम कब बोलते हैं, जब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1, ठीक है, सपोज 9 लिया तो उसका रेसिप्रोकल क्या, 1/9, वो उसका इनवर्स हो तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। दैट मींस आप कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे और आंसर आइडेंटिटी आएगा, उसका मतलब ये हुआ कि ये ए का इनवर्स है। फिर से क्या बोला मैं, अगर कोई एक दूसरे का इनवर्स का आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो आंसर 1 आता है, वैसे ही कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, मतलब बी क्या हुआ, ए इनवर्स हुआ, ये आपको पता चल गया। अब ये सब हम डिस्कस कर रहे थे कि ये होता है इनवर्स, अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम कौन से प्रिंसिपल से जाएंगे और कैसे इनवर्स फाइंड करके, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल बेसिक हो गया। चलो अब मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है कि आपको ये सब में इंटरेस्ट नहीं है कि ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, क्यों ऐसा ही हुआ, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, हम डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे। चलो क्या पॉइंट पे आते हैं कि ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। चलो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि a इज इक्वल टू आई ए है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली हमें क्या लाना है कि ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए तो ये उसका इनवर्स हो जाए, ठीक है, उतना हमें पता है। तो हम धीरे धीरे करके ऐसा कुछ ट्राई करेंगे कि देखो ये हमें पता है तो ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, तो पहले हम इसकी बात करते हैं। तो अब हमारा काम क्या है कि हम धीरे धीरे करके इसको क्या करेंगे, इज इक्वल टू को कन्वर्ट करेंगे आई में, ठीक है, किससे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से, वंस का ये जो हमारा इक्वेशन है उसको ए को धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे आई हो जाए, क्योंकि हमें ऐसा बनाना है बेटा, इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये ए को कन्वर्ट करेंगे धीरे धीरे आई में। और अब मुझे बताओ जैसे कि ये है, यहाँ पे मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, तो यहाँ पे हम धीरे धीरे कन्वर्ट करेंगे, ये जो भी आएगा क्या आएगा वो हमें नहीं पता। देखो हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि इसको आई लाए, इसको आई लाए, उसके बाद ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, ये सेम रहेगा। अब ये मैं पहले आपको क्लियर बोल देता हूं क्योंकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि क्यों सब सर यहाँ पे ही हमने ऑपरेशन लगाया, यहाँ पे ऑपरेशन नहीं लगाया,
वो मैंने आपको समझाया था सबसे पहले कि अगर अगर ये a इज इक्वल टू i है, अगर मैं यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊंगा तो इसमें अगर ऑपरेशन लगा रहा हूं, इसमें ही लगाना ही आपको, इन दोनों में से किसमें ऑपरेशन लगेगा? ये फर्स्ट वाले में लगेगा क्योंकि उन दोनों की रो सेम है। वंस मोर, मैं अगर कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊंगा तो कहां पे लगाऊंगा? इन दोनों में लगाऊंगा, ये और ये, क्यों? क्योंकि उन दोनों की कॉलम सेम है। तो वंस मोर, अगर आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको यूज करनी है, अगर आप कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो ये वाली इक्वेशन आपको यूज करनी है। ये आपका फंडा खत्म हो गया। अब समझ लो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, a इज इक्वल टू आई ए, हम हमारा गोल ये है कि इज इक्वल टू आई लाना है हमें, ये हमारा गोल है इज इक्वल टू आई लाना है। तो इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे, कौन सा? रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो सामने वाले पे कहां पे लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो हमारा गोल ये है कि यहाँ पे आई आना चाहिए, ठीक है। अब ये तो बेटा सेम ही रहेगा, ए में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वहां पे तो कुछ लगाना ही नहीं है। अब यहाँ ए को हम चेंज करते 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 आई लाए, तो आई को हम चेंज करते करते क्या लाएंगे वो नहीं पता, लेकिन वो जो भी होगा वो बी होगा और यहाँ पे बी ए इनवर्स होगा, ठीक है। ए को चेंज करते करते हम आई तक लाए, आइडेंटिटी एलिमेंट लाए, ठीक है। साथो साथ जो ऑपरेशन यहाँ पे होगा वही ऑपरेशन यहाँ पे होगा, आई पे होगा। वो चेंज करते करते जो भी आता है उसको हम बी नाम देते थे और वो बी क्या है? ए इनवर्स। वंस मोर, इसकी बात अगर करें, ए इज इक्वल टू ए आई, इसको हम चेंज करते 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 आइडेंटिटी एलिमेंट लाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाते हैं। कौन सा यूज करते हैं? कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। कॉलम करते तो फर्स्ट पे नहीं होगा, सेकंड पे होगा, तो इसको चेंज करते करते बी लाए, ये तो सेम टू सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे जो बी आए वो बी होगा हमारा ए इनवर्स, ठीक है। तो फाइनली फाइनली आपको क्या याद रखना है? तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसके बाद अगर आपको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है तो ये वाला इक्वेशन यूज करो, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है तो ये वाला इक्वेशन यूज करो, क्यों वो करो वो मैं आपको समझाती, ठीक है। अब और कुछ आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर मुझे रो यूज करना है तो ये लेफ्ट वाला करो, कॉलम करना है तो राइट हैंड साइड वाला करो, और मैं और आप दोनों रो एलिमेंट्री ऑपरेशन ही करेंगे, ठीक है, वो सबसे अच्छा रहेगा। तो यहां तक हमारा बेसिक था। अब मैं आपको एक सम करवा देता हूँ जिससे आपको पता चले कि एक्चुअली इनवर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ आप बेसिक पढ़ रहे हो, सिर्फ फंक्शनलिटी पढ़ रहे हो, अब थोड़ी एप्लीकेशन देख लेते हैं तभी आपको थोड़ा मजा आएगा। एक सम सपोज 2 - 1 पहले प्लस वाले ले लेते हैं, आपको प्रॉब्लम ना। 1, 2, 3, 3, 4 चलो देख लेंगे जो भी होता है। चलो अब ये हमारा मैट्रिक्स है ए, इसको हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है, ओके। तो अगर रो एलिमेंट्री यूज करना है तो ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है, पहले आई होना चाहिए, रो है तो, कॉलम है तो पीछे होना चाहिए। चलो पहले तो इसको लिख देते हैं, ये बेटा हार्ड नहीं है, ध्यान से समझ लेना, ये हार्ड नहीं है। ये है हमारा 1, 2, 3, 4 और आई है 1, 0, 0, 1, ओके। यहां तक तो सबको पता चल गया कि अगर रो यूज करेंगे तो हम ये वाला यूज करेंगे, उसके बाद सिर्फ वैल्यू पुट कर दी, ए को एज इट इज लिखते जाएंगे। अब समझो हमें ये जो ए मैट्रिक्स है उसको आई में कन्वर्ट करना, आई में दैट मीन्स 1, 0, 0, 1। अब इसको ध्यान से समझना है, सबसे पहले इसको 1 बनाना है, तो ध्यान से देखो आपके पास तो यहाँ पे 1 है ही, हम कॉलम वाइज जाएंगे, मतलब कॉलम वाइज जाएंगे मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 1 करेंगे, फिर इसकी मदद से इसको 0 करेंगे, ठीक है, पहले इसको 1 करेंगे, इसकी मदद से इसको 0 करेंगे, फिर इसको 1 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसको 1 करेंगे, इसकी मदद से इसको 0 करेंगे। ध्यान से देख लेते हैं कैसे, हाइपर नहीं होना है,
सबसे पहले हमारा गोल था कि यहाँ पे वन लाए, तो यहाँ पे तो वन है, वाव, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। अब हमारा गोल क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाला हमें जीरो लाना है। चलो यहाँ पे जीरो कैसे लाएंगे, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे जीरो कैसे लाना है आपको, ये इसकी मदद से, मतलब आर वन में जो रो वन में वन है उसकी मदद से। तो हम सिंपली क्या करेंगे बेटा, कहाँ पे चेंज करना है आपको, ऑपरेशन कैसे बनाते हैं वो हम मैं आपको सिखा रहा हूँ। कहाँ पे चेंज करना है, आर टू में, तो यहाँ पे आर टू चेंजेस टू, आर टू चेंजेस। अब मैंने बोला था यहाँ पे अगर आर टू है तो यहाँ पे कंपल्सरी आर टू होना ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। फिर से कहाँ पे चेंज करना है, आर टू में, तो आर टू लिख दिया। ओके, तो क्यूज करके कंपल्सरी आर टू लिखना है। अब किसकी मदद से बेटा, किसकी मदद से आपको वहां पे जीरो लाना है, तो आर वन की मदद से, ये रो वन है तो यहाँ पे आर वन लिख दिया। ओके, अब आर वन की मदद से, अब मैं आप बोलो कि वन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे तीन से, तो मैंने आर वन को तीन से मल्टीप्लाई कर दिया। वन स्मॉल, सुनो कहाँ पे चेंज करना है, आर टू, आर टू चेंजेस टू, कंपल्सरी आर टू लिखना है। किसकी मदद से, आर वन की मदद से, तो मैंने आर वन लिख दिया। अब ये दोनों सेम कब हो गए, कुछ भी करके यहाँ पे जीरो लाना है बेटा, यहाँ पे सेम कैसे हो गए, वन को थ्री से मल्टीप्लाई करो, तो आर वन को मैंने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद वो दोनों माइनस करूंगा तभी यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। अब ये आपको थोड़े थोड़े स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा, लेकिन थोड़ा टाइम जाके बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सपोज आर टू है, तो आर टू लिख दो, आर टू क्या है, थ्री फोर, माइनस थ्री माइनस थ्री, आर वन क्या है बेटा, रिस्पेक्टिव वन एंड टू, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस टू। हो गया, वही वाला ऑपरेशन, ये जो आपने ऑपरेशन किया वही वाला ऑपरेशन आपको यही भी करना है बेटा, ये साइड में भी करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं करना, वो भी करना। चलो आर टू क्या है बेटा, वहां पे लिख दो जीरो एंड वन, माइनस थ्री माइनस थ्री, आर वन क्या है बेटा, वन एंड जीरो। चलो इसको सॉल्व करो, आंसर है माइनस थ्री, इसको सॉल्व करो आंसर है वन, ठीक है। तो चलो जो आया वो लिख देते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको सिखाया हुआ है, आर वन में चेंज हो रहा है तो सॉरी आर टू चेंज हो रहा है तो आर वन एज इट इज ही लिखेंगे, आर वन में कोई चेंज नहीं हुआ। अब आर टू में चेंज कैसे हुआ वो लिख लो, जीरो माइनस टू माइनस थ्री एंड वन, दैट्स इट। यहां तक आई थिंक थोड़ा थोड़ा समझ में आया, आप थोड़ा देखोगे तब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, सिर्फ पेशेंट रखना, पेशेंस है ना। चलो उसके बाद हमारा गोल क्या है, ये तो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम तो बहुत अच्छे हो गए, वन जीरो। अब हमारा गोल क्या है, हमारा गोल सिर्फ इतना है कि इसको आप वन बनाओगे, तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, आप वन कैसे बनाओगे, जो भी है उसे डिवाइड कर दोगे, कैसे बनाओगे, जो भी है उसको डिवाइड कर दोगे। अब कैसे डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस टू, तो पहले तो चेंज कहाँ पे करना है, आर टू में चेंज करना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कंपलसरी वन लाना है, तो क्या करूंगा मैं वन लाने के लिए, वन हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, वन हाफ से मैं आर टू को मल्टीप्लाई करूंगा तभी वहां पे वन आएगा, ठीक है। तो चलो ये सेम ऑपरेशन, सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला कि आर टू में चेंज हो रहा है, वन में कुछ नहीं हो रहा, तो वन एज इट इज लिख दो, लिख दिया। उसके बाद आर टू, आर टू में क्या चेंज हो रहा है, माइनस वन हाफ, तो चलो जीरो को माइनस वन हाफ से मल्टीप्लाई करो, जीरो, माइनस टू को माइनस वन हाफ से मल्टीप्लाई करो, वन, माइनस थ्री को वन हाफ से मल्टीप्लाई करो, थ्री बाय टू, एंड वन को वन हाफ से मल्टीप्लाई करो, माइनस वन हाफ, तो माइनस वन, दैट्स इट। सिर्फ हमने पूरी आर टू को मैं चेंज कर दिया, क्लियर है बेटा। अब हमारा गोल क्या है, सिर्फ यहाँ पे वन लाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, कहाँ पे चेंज करना है बेटा, आर वन में, तो मैंने आर वन लिख दिया। अब कुछ भी सोचे बिना यहाँ पे आर वन है, तो यहाँ पे कंपलसरी आर वन ही आएगा। अब खत्म हो गया। अब जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे वन लाए, इसकी मदद से यहाँ पे जीरो लाए, उसके बाद यहाँ पे वन लाए, इसकी मदद से यहाँ पे जीरो लाए, मतलब यहाँ पे जीरो लाना है, लेकिन किसकी मदद से, ये वन की मदद से, ये वन मतलब क्या हुआ, आर टू, तो यहाँ पे आर टू लिख दिया। मुझे बताओ ये दोनों सेम कब हो गए, जब इसको मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको टू से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर दिया, तभी यहाँ पे जीरो आएगा। चलो तो लेट्स डू इट फास्ट। सबसे पहले चेंज कहाँ पे किया है, आर वन, तो मैंने जैसे आपको
बोला हुआ है, अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो थोड़ी जगह छोड़ो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला है आर टू में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आर टू आप ऐसे लिख सकते हो, आर टू में कोई चेंजेस नहीं, लिख दिए। चलो अगर आप कैलकुलेशन करनी है आपको तो लेट्स गो फॉर इट। आर वन, आर वन क्या बेटा, वन टू माइनस टू टाइम्स माइनस टू टाइम्स। आर टू क्या है, जीरो। आर टू क्या है, वन। ये वाला खत्म हो गया। अब यहाँ पे आर वन क्या है, वन। आर वन क्या है, जीरो। माइनस टू टाइम्स माइनस टू टाइम्स। आर टू क्या है, थ्री बाई टू। आर टू क्या है, माइनस वन। चलो ये क्या होगा, वन। ये क्या होगा, जीरो। चलो ये क्या हो गया, माइनस टू। और ये क्या हो गया, टू टू कैंसल एंड प्लस वन, ठीक है। तो जो आंसर है वो लिख दो बेटा फटाफट, क्या आंसर है, वन जीरो यहाँ पे माइनस टू वन। तो अगर आप ध्यान से देख लो तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी। ये कुछ मैट्रिक्स है उसको आप बी नाम दे दो, यहाँ पे ए तो था, तो ये जो बी है वो है एक्चुअल में ए इनवर्स, विच इज माइनस टू थ्री बाय टू वन एंड माइनस वन, दैट्स द आंसर, ठीक है। ये हमने बहुत ही बेसिक सा समझ लिया है, सभी टू क्रॉस टू मैट्रिक्स में आपको ऐसा ही करना है। सबसे पहले आइडेंटिटी, अब रो एलिमेंट्री यूज कर रहे हो तो आप ये वाला लिख लो, उसके बाद वन जीरो जीरो वन बनाओ, वो बन जाता है एक बार, तो ये आपका आंसर हो गया। अंडरस्टूड बेटा, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ये पूरा मैंने बेसिक समझाया है, ठीक है। हम जैसे जैसे सम करते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता जाएगा, बहुत इजी सम है ये, सिर्फ समझने का है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेक्चर खत्म करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके काफी सारे मतलब एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, चलो बाय।